हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रोटेक्टिव जोन्स इन पावर सिस्टम दैट इज ऑफ लेक्चर नंबर टू तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें तो प्रोटेक्टिव जोन्स इन पावर सिस्टम सो पावर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स दैट इज जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट इज़ द three main components of power system so we have to require the protective zones so that is the a power system contains the generator transformer and the bus bar transmission and distribution line etc so there is a separate protective scheme for each piece of equipment each piece of equipment or element of the power such as जनरेटर प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन एंड दैट इज़ द बस बार प्रोटेक्शन सो दस द पावर सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू द नंबर ऑफ जोन्स फॉर प्रोटेक्शन मीन्स जो हमारे पावर सिस्टम है वो तीन कंपोनेंट कंसिस्ट करते हैं जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके अंदर क्या होंगे जनरेशन मीन्स जनरेटर हमको जो जनरेशन हो रही है अल्टरनेटर तो उसके प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है ट्रांसमिस जनरेटर के बाद क्या होता है ट्रांसफॉर् ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन तो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसकी भी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है ट्रांसमिशन लाइन लगे हैं उसकी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है बस बार लगे हैं उसके प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है तो एक जो एज जो भी कंपोनेंट्स पे लगे हुए हैं ईच कंपोनेंट्स के हमें क्या है प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है तो जितने भी जोन्स हैं उसको हम लोग डिवाइड किए गए हैं तो ये हमारे जोन्स के प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जनरेटर लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ये आपका क्या है जनरेटर प्रोटेक्शन फिर आप देखिएगा यहाँ से एक स्टेशन बस बार लगा हुआ है और ये भी आपका क्या है सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है तो ये जनरेटर प्रोटेक्शन तो इसके बाद देखिएगा नीचे एंड में आइएगा फिर वापस से बस बार है उसके बाद एक सर्किट ब्रेकर है फिर आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ये क्या हो गया पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका एक लाइन लगा हुआ है ये हो गया आपका ट्रांसमिशन लाइन तो यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन हो गया आपका ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये आपका एच वी हाई स्विच स्विच गेयर प्रोटेक्शन एट द सेंडिंग एंड है और ये आपका रिसीविंग एंड है एच वी स्विच गेयर हाई वोल्टेज स्विच गेयर प्रोटेक्शन एट द रिसीविंग एट तो जो प्रोटेक्टिव जोन्स है इसका लगाने के जो प्रोटेक्टिव जोन्स है मतलब हो गया आपका हर जितने भी पावर सिस्टम इक्विपमेंट है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए जोन्स एक डिवाइड किया गया है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज द द प्राइमरी प्रोटेक्शन एंड द बैकअप प्रोटेक्शन मतलब यह हुआ कि आपके पास प्राइमरी प्रोटेक्शन तो पहला प्रोटेक्शन है दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस

अगर किसी तरीके से प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाता है सो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन ए बैकअप प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू रिमूव द फॉल्टेड पार्ट ऑफ द फ्रॉम द सिस्टम सो द बैकअप प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड एज द मेन प्रोटेक्शन कैन फेल मेनी रीजन लाइक तो बैकअप प्रोटेक्शन कब हम प्रोवाइड करते हैं अगर कुछ रीज़न से तो क्या क्या रीज़न होता है जिसके चलते प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल होता है वो होता है फेलियर ऑफ सर्किट ब्रेकर फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव रिले फेलियर इन ट्रिपिंग सर्किट फेलियर इन डीसी ट्रिपिंग वोल्टेज एंड द लॉस ऑफ वोल्टेज और करंट सप्लाई ऑफ द रिले तो ये आपके क्या होते हैं दो प्रोटेक्शन में होते हैं प्रोटेक्टिव जोन्स में प्राइमरी प्रोटेक्शन एंड बैकअप प्रोटेक्शन तो हम जानेंगे कि आखिर दोनों का क्या है मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां आपके पास आपका एक जनरेटर लगा हुआ है यहां एक सर्किट ब्रेकर है एक सर्किट ब्रेकर ये यहां पे है दो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है तो अगर फॉल्ट जो हो रहा है आपका यहां पे हो रहा है इस केस में यहां पे हो रहा है और ये सर्किट ब्रेकर नंबर टू और ये सर्किट ब्रेकर नंबर वन सर्किट ब्रेकर नंबर टू जो है वो आपका किसी तरीके से काम नहीं करता है आपका ख़राब हो गया सर्किट ब्रेकर तो उस केस में क्या होगा आपका जो ये प्राइमरी प्रोटेक्शन है ये ख़राब हो गया है तो आपका कौन सा वर्क करेगा तो ये जो बैकअप प्रोटेक्शन है ये सी बी वन वर्क करेगा उस केस में सपोज नेक्स्ट केस देखते हैं अगर फॉल्ट जो हो रहा है इनिशियली यहाँ पे हो रहा है सपोज फॉल्ट जो हो रहा है यहाँ यहाँ पे हो रहा है तो इस केस में क्या होगा सर्किट ब्रेकर दोनों आपके वर्क कर रहे हैं तो उस केस में सबसे पहला कौन सा वर्क करेगा सर्किट ब्रेकर टू वर्क करेगा यहाँ पे अगर ये खराब होगा तब सर्किट ब्रेकर वन एज ए बैकअप प्रोटेक्शन काम करेगा तो ये बेसिक मैंने बताया कि कौन सा कहले किस तरीके से काम करेगा प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन के लिए तो सिंपली मैं दो शब्दों में कहूँगा आपको इसमें प्राइमरी प्रोटेक्शन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बैकअप प्रोटेक्शन अगर किसी तरीके से फेलियर हो जाता है तो वो बैकअप प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव जोन्स मतलब होता है कि हमारे जो पावर सिस्टम है पावर सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट चाहे जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जनरेटर्स भी हो गया ट्रांसफार्मर भी हो गया ट्रांसफार्मर हो, हो गया बस बार हो गया ट्रांसमिशन लाइन हो गया ईच कंपोनेंट्स के हमें क्या है प्रोटेक्टिव जोन्स डिवाइड किए गए हैं तो आप जैसे देखेंगे यहाँ प्रोटेक्टिव जोन्स हमने जनरेटर प्रोटेक्शन लिया है और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन है ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन है तो ईच प्रोटेक्टिव जोन डिवाइड किए गए हैं तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में इस लेक्चर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ छोटे से वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या होता है बैकअप प्रोटेक्शन क्यों एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं कि वाट डू मीन बा बैकअप प्रोटेक्शन एंड द प्राइमरी प्रोटेक्शन सो so, उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आ गए होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल थैंक यू वेरी मच